चलिए तो अब जींद की जंग से बाहर निकल के जरा थर्ड फ्रंट की बात कर लेते हैं, वो थर्ड फ्रंट जो कांग्रेस और मोदी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से इतर अपनी एक अलग शक्ति बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, उस थर्ड फ्रंट की बात कर लेते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महारैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस से लेकर तमाम गैर एनडीए पार्टियां शिरकत कर रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस रैली को ममता के साथ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ममता बनर्जी की इस रैली में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के लिए खतरा हैं, लोगों को देश से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर बीजेपी को यहां रथ यात्रा की इजाजत मिल जाती तो यहां पर जान माल का नुकसान होने की आशंका थी। उधर अरुण शौरी ने कहा कि राफेल जैसा घोटाला किसी भी सरकार में नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहली सरकार है जो आंकड़ों के साथ खेलती है, हम भी सरकार में थे लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की नकल उतारते हुए सभा को मित्रों कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता दी ने आज जो किया वो सराहनीय है, उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि बंगाल पहले सोचता है।